पोस्ट देख रहा था, उस पोस्ट में धर्म उनका बयान आया कि तुम कम गिनती में हो इस दुनिया में, तो तुम्हें ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। और ये पहले मुस्लिम लोगों का ज्ञान था, वो लोग कर भी रहे हैं, मुस्लिम लोग, उनको ये सिखाया गया था कि अगर इस दुनिया पे राज्य करना है तो अपनी लोगों की गिनती क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो वो लोग इसलिए ज्यादा बच्चे होते, ज्यादा पत्नियां होती उनकी, इसीलिए ताकि ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो इस पूरी दुनिया में मुस्लिम लोगों की गिनती क्या आ जाएगी, ज्यादा। अब कई धर्मों में ये बातें चल रही है, लेकिन ये क्रिश्चियंस कभी ये बात नहीं करेंगे। सुनो मैं बताता क्यों। अब पृथ्वी के इंसानों को एक चीज ही नहीं समझ आ रही कि परमेश्वर ने जो कुछ तुम्हें प्रकृति बनाकर दी, आधे से ज्यादा तो इंसानों ने उसको नष्ट कर दिया, तो जो आने वाले इतने बच्चे पैदा करोगे उनका क्या हाल होगा। अरे तुमने अपनी ऑक्सीजन को, हवा को पोल्यूटेड कर लिया, पानी को खराब कर लिया, और पानी आधा भी नहीं रह गया इंसानों के लिए, आधे से भी कम है, और जनता कितनी है, और पानी उगता नहीं, इसकी फसल नहीं है कि बन जाएगा, ये बात याद रखो, आधे से भी कम रह गया। जितनी भी सोर्सेस, चीजें चाहिए इंसान को, वो कम पड़ती जा रही है, दुनिया बढ़ रही है, क्या करना धर्म जाति को बढ़ाकर। धर्म के ठेकेदारों के अंदर ऐसे कोई अच्छे मनुष्य नहीं है जो अपने लोगों को सिखाए कि दूसरी जातियों से, धर्मों से भी प्रेम करो। हमें मानवता से प्रेम करना है, मिलजुल कर, चाहे आप किसी भी धर्म में हो, हमें मानवता को जिंदा रखने के लिए ऐसे प्रयास करने चाहिए, ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे मनुष्यों का भला हो। ये धर्म की, अपने लोगों की गिनती बढ़ाओ ताकि हम लड़ें एक दूसरे से। क्या ज्ञान है, क्या नॉलेज है। प्रकृति को नष्ट कर रहे हो, चीजें तुम्हारे पास इतनी है नहीं यूज करने के लिए। आप पहले पानी यूज करते थे ना, नलका लगाकर ऊपर ही आ जाता था पहले, फिर 60 फुट, अब 200 पर आपका नहीं सेट बैठ रहा, अभी आपको नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि 200-150 वाला पानी खराब है, पोल्यूटेड हो गया, पूरी तरह से खराब है। अब 400 फुट बोर करना पड़ेगा, तो 400 फुट बोर 80-90 हजार रुपए का है, गरीब बंदा कैसे कराएगा, सोचो, दिहाड़ीदार बंदा, वो तो दूसरा पीकर मरेगा पानी। चीजें खराब हो रही है और इधर इंसानों को देखो क्या कर रही। लेकिन ये सिर्फ परमेश्वर के लोगों को समझ आए, क्योंकि बाइबल में लिखा तुम्हारी लड़ाई इंसानों से नहीं, इंसान के अंदर जो पाप है, बुराई है, उससे है और अंधकार से है। ये क्रिश्चियंस लोग जानते हैं, हालेलुया, ये मसीह लोग जानते हैं। और मसीह लोग ही इस दुनिया में प्यार को बांटना चाहते हैं, नफरत को नहीं, सच्चाई को बांटना चाहते हैं। अब दुनिया वाले सच्चाई का विरोध कर रहे हैं, देखो सच्चाई का विरोध कर रहे हैं। हम सच्चाई बांट रहे हैं, धर्म नहीं, लोगों को है ना, लोगों को आजाद करने का, अच्छी जिंदगी जीने का समझ दे रहे हैं यहां पर, एक बेस्ट लाइफ, पवित्र लाइफ। क्योंकि बाइबल पवित्रताई की जिंदगी को प्रमोट करता है, पवित्रताई की जिंदगी के बारे में बात करता है बाइबल। दूसरी जिंदगी, धर्म की जिंदगी, जात पात, ये कोई बाइबल की बात नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही है? अगर इंसानों को कोई जरूरत है पृथ्वी के ऊपर, तो वो सच्चाई की, एक पवित्र जिंदगी की, सही जिंदगी जीने की समझ, ज्ञान देने की जरूरत है और लोगों को लेने की जरूरत है, और ये हमारा काम है। अगर तुम लोग भी इस चीज पर ध्यान दोगे तो आपका परिवार, आपका घर बेस्ट होगा, और साथ में तुम दूसरों को भी इस चीज में प्रेरित करो ताकि लोगों का क्या हो, भला हो। आमेन।